हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं अभी इस सुबह का मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो आज दिन है शुक्रवार यानी फ्राइडे, आज फ्राइडे है। तो आज मैं सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। तो पहले मैं अपने घर में पोछा लगा ले रही हूँ। अभी सुबह के बज रहे होंगे 6, तो अभी मैं पोछा लगा ले रही हूँ अपने घर में। तो देखिए, सबसे पहले सुबह सुबह मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर बाहर का दरवाज़ा धोती हूँ, फिर उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। तो अभी मैंने वो कर ली है, झाड़ू लगाना और दरवाज़ा धोना, ये सब। अभी मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो हाँ, मैंने अंदर रूम में पोछा लगा लिया है। अब मैं आ गई हूँ फर्स्ट रूम में पोछा लगाने के लिए। तो अभी मैं लगा ले रही हूँ अच्छी तरह से। ये मोप से कितना आसानी हो जाता है ना फ्रेंड्स, कितने घर के काम कितने आसानी से हो जाते हैं। नहीं तो पलंग के अंदर नीचे घुसना रहता, फिर पोछना, ऐसे मोप से पोछने से पूरा अच्छा तरह से पोछा जाता है सब तरफ और दिक्कत नहीं होती है। तो अभी मैंने पोछे सारे लगा लिए। अब देखिए, मैं अभी आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में देखिए, मैंने कढ़ाई बैठा दिया है गैस पर, और अभी मैं बनाने वाली हूँ चने के छोले, काले चने के छोले। तो मैंने बारीक प्याज चॉप करके रखे हैं और टमाटर चॉप करके रखे हैं। तो अभी मैंने वो चॉप करके रख लिया। अभी मैं कढ़ाई में तेल डाल ले रही हूँ और फिर उधर मैं मसाला पीसने के लिए निकाल रही हूँ। मैं खड़े मसाले पीसूँगी, पीसे हुए नहीं, पाउडर से मैं नहीं बनाऊँगी। जो खड़े मसाले होते हैं उसको मैं पीस के बनाऊँगी। तो अभी मैंने डाल दिया है तेज़पत्ता। देखिए, अभी मैं मसाला पीस लेती हूँ बनाने के लिए। तो खड़े मसाले पीस रही हूँ, जीरा, गोलकी, अदरक, लहसुन, इसे मैं डालूँगी। गोलकी मीन्स काली मिर्च, आप तो काली मिर्च शायद बोलते होंगे, हम लोग तरफ तो गोलकी ही बोलते हैं, तो इसीलिए मैं गोलकी ही बोल रही हूँ। तो मेरा अभी तेल गरम हो गया, उसमें मैं प्याज डाल देती हूँ और फिर उसको अच्छी तरह से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगी। देखिए, मैं काले चने भिगो के रखे थे, तो उसको मैं आज काले चने के छोले बनाने वाली हूँ बिल्कुल नए तरीके से। उधर मैं अभी लहसुन को निकाल ले रही हूँ, साफ करके ले रही हूँ, और इधर मेरे प्याज भी भून रहे हैं। ये झटपट बनने वाली सब्जी है फ्रेंड्स, छोले। आप चने इस तरह भिगो के रख लीजिए और फिर उसके बाद इसको सुबह में ब्रेकफास्ट में बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। यानी पूड़ी के साथ खाइएगा तो और ही अच्छा लगेगा, और इसको लंच में भी दे सकते हैं, टिफिन में पैक करके सूखी सब्जी जैसे हो जाएगा तो अच्छा लगता है। तो देखिए, मैं अभी सब निकाल के और ऐड कर ले रही हूँ। फिर मैं प्याज के साथ इसको भूनूंगी, हल्का सा भूनूंगी उसको, और फिर भूनने के बाद फिर उसमें मैं टमाटर और मसाले ऐड करूँगी। देखिए, मैं अभी भून रही हूँ, अभी मैं मसाले पीस लेती हूँ। जल्दी से पीस लूँगी मसाले। पूरा मैं ही पेस्ट बनाइएगा मसाले का। पीस लूँ, भून ले रही हूँ अच्छे से। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी, साथ ही साथ टमाटर भून लेने से भी टमाटर गल जाता है, अगर बाद में आप भूनिएगा तो गलेगा नहीं, इसलिए मैं मसाले के साथ ही ऐड कर देती हूँ टमाटर को, और उसके जस्ट तुरंत बाद ही मैं नमक ऐड कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाए। और मसाले के साथ नमक ऐड करने का ये है कि
आपके मसाले के अंदर भी नमक चल जाएगा। ऐसे अगर आप मसाले भून लोगे उसके बाद नमक ऐड करोगे तो उस तरह से मसाले ये सब्ज़ी में नहीं जा पाएगा तो अच्छी तरह से। तो इसीलिए मैं अभी हल्दी ऐड कर दे रही हूँ। एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच नमक। आप इस तरह से भी बना सकते हैं और हल्का इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो उस तरह से बना सकते हैं। मैं हल्का ग्रेवी ही रखती हूँ और कभी कभी इस तरह से खाने के लिए रहता है तो इसी तरह से मैं खा लेती हूँ। और अगर रोटी पूड़ी के साथ खाने रहता है तो मैं ग्रेवी हल्का रख देती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स ये खाने में। अभी मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक इसका तेल न छोड़ दे। और फिर मैंने यहाँ पे आटा सान लूँगी। और अभी हाँ, मैंने अभी तक नहाया नहीं है, मैं मॉर्निंग रूटीन काम करके तब फिर उसके बाद मैं नहाती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करके तो फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ। देखिए मैं आटा सान ले रही हूँ। अभी देखिए मेरा फर्श भी पूरा गीला गीला है क्योंकि मैंने अभी पोछा लगाया है, तो पूरा फर्श मेरा गीला है। और यहाँ ये देखने में थोड़ा गंदा दिख रहा होगा पर ये पहले ही से उसी तरह से है, जब से मैं इस शिफ्ट हुई हूँ तब से उसी तरह से है। पहले जो आंटी रहती थी वो शायद बुजुर्ग होंगी, उनको उतना अथी नहीं साफ़ उफ करने का अथी होगा, इसी वजह से नहीं साफ करती होंगी, तो इसी वजह से पूरा फर्श काला काला दिखता है। मैं अभी इतना करते करते इतना तक साफ की हूँ पर इससे ज़्यादा नहीं साफ होता है, कितना भी मैं इसको रगड़ू धोऊँ फिर भी नहीं साफ होता है, तो इसी वजह से वैसा दिखता है मेरा फर्श, तो इग्नोर कीजिएगा। देखिए अभी मैं उसमें बना लूँगी, ये भी इसमें बैठा दी हूँ। अब मैं पूड़ी तलूँगी। तो देखिए मैंने पूड़ी तलने के लिए कढ़ाई बैठा लिया है, तो हाँ ये कढ़ाई ब्लैक दिख रहा होगा पर इसमें मैं सिर्फ तलने का ही काम करती हूँ, इसी वजह से इसमें सब्जी उब्जी मैं नहीं बनाती हूँ, सिर्फ मैं तलने का काम करती हूँ। क्योंकि हर कढ़ाई में अगर आप तलने का तो सारा कढ़ाई ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं एक कढ़ाई अलग से रखी हूँ, सिर्फ उसमें मैं तलने का काम करती हूँ। तो इसको इग्नोर कीजिएगा और गलत कमेंट नहीं कीजिएगा कि हाँ आपका कढ़ाई ब्लैक है या गंदा है। नहीं, गंदा नहीं है, उसी तरह से हो गया है, काला छूटता नहीं है कितना भी छोड़ाने पर। अब देखिए मैंने अभी सब्ज़ी में पानी ऐड कर लिया है, देखिए इतना पानी मैंने ऐड किया है। अब इसमें मैं गरम मसाले डाल दूँगी। देखिए मैंने उसमें लाइट आ गया था तो इसीलिए मैंने गैस से कढ़ाई को उतार लिया है, और अब मैं हीटर में बनाऊँगी तो मैंने हीटर में कढ़ाई चढ़ा लिया है और मैं पूड़ी को बेल लूँगी। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं पूड़ी तेल से नहीं बेलती हूँ, मुझे चिपचिपा टाइप का लगता है, इस वजह से मैं थोड़ा आटे ही मिला के आटे का परथन मिला के ही बेलती हूँ। इस तरह से जल्दी भी हो जाता है और वैसे तेल लगा के बेलने से चिपक जाता है, पूरा तेल तेल हो जाता है। अभी मैं नहा के आ गई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि गरम गरम पूड़ी अच्छा लगता है। उस समय मैंने थी सिर्फ उनको बना के और लंच में दे दिया था और वो खा के चल गए थे। अभी मैं और मेरे बच्चे खाएंगे तो इस वजह से मैं अभी चल गई थी नहाने के लिए, और नहा के मैं आ गई हूँ और जल्दी से मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ। ठंडे के दिन में गर्म ही खाना खाना चाहिए, इसी वजह से मैं ठंडे या फिर गर्म के दिन में भी अगर आप गर्म गर्म पूड़ियाँ खाओ या गर्म गर्म रोटी खाओ तो ही खिलाता है, ठंडा हो जाने के बाद आपको नहीं खिलाएगा।
इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि गरम ही खाने के लिए। तो अभी मैं सारे पूड़ियाँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बचा हुआ था तो अभी मैं तल लेती हूँ और फिर मैं और मेरे बच्चे सब खा लेंगे। ये तो चले गए हैं स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं मॉर्निंग का रूटीन ख़त्म करके आ गई हूँ। अभी नहा हुआ के तैयार हो गई हूँ। तो देखिए कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।